नमस्कार, मैं रवि कुमार गौतम आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज की भाग भरी जिंदगी बहुत अस्त व्यस्त, कुछ भी अपने लिए सोचने का समय नहीं है। सब दुनिया के लिए करना है, अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए, जब दुनिया के लिए ही कर रहे हो तो कुछ अच्छा काम कर दो। होनी अनहोनी दुर्घटना घटना कभी कह के नहीं आती है। कभी इस इंतजार में न रहें कि हमारा तो सारा सब कुछ काम ओके है। तो जरूर आप लोग अपने जहां जहां तुम जो पेंशनर्स हो उन सबका अकाउंट है, चेक करके आओ कि आपका अकाउंट डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट हुआ है क्या नहीं। डीएसपी पेंशन अकाउंट में होना चाहिए, आपके लिए आपकी सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड्स, सैन्य कर्मियों के लिए कई तरह के अनुरूप वित्तीय समाधान है। विशेष लाभ प्रदान करता है कौन? एसबीआई डीएसपी अकाउंट। अब इस होड़ में कई बैंक लग गई हैं जो कि ज्यादा फायदा दे रही हैं। बहुत सारी बैंक तो ये कह रही हैं, आप हमारे यहाँ डीएसपी अकाउंट खोलिए, हम आपको इतना बेनिफिट देंगे, आपके घर ही जाके आपका जीवन प्रमाण पत्र जमा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मतलब प्राइवेट बैंक ज्यादा लाभ दे रही हैं। तो देखिये, इस लेख में मुझे ये लेख बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ साझा करूं, क्योंकि ये काम की जानकारी है और मतलब बहुत ही जो पोस्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे लगी है, तो मैं आपको इसको विस्तार से बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, इसको पूरा आप लोग समय निकाल के प्लीज इसको जरूर सुने। देखिए, इसके लाभ क्या हैं और ये आप कहाँ कहाँ खोल सकते हो, कौन कौन सी बैंक इसमें आपको लाभ दे रही है, सारी बात करेंगे। डिफेंस सैलरी पैकेज लागू होने के बाद सेना के जवानों को पूरी तरह सैलरी उनके सीधे अकाउंट में जमा हो जाती है। कुल 11 सरकारी बैंक हैं और कुछ निजी बैंक हैं जो कि डिफेंस सैलरी पैकेज की सुविधा देते हैं, लेकिन डीएसपी अकाउंट में डिफेंस पर्सन को एसबीआई बैंक ज्यादा लाभ देता है। यही वजह है कि सबसे ज्यादा एसबीआई के अकाउंट्स होते हैं जो भी पेंशनर होते हैं उनके। तो जो डीएसपी मतलब एसबीआई डीएसपी खाते में जो किसी तरह के अकाउंट्स हैं तो वो उस पर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले होता है एसबीआई गोल्ड डीएसपी खाता। आप जरूर अपने में पासबुक उठाओ आज ही अभी तुरंत देखो जाके कि उसमें कौन सा अकाउंट का नाम लिखा है, एसबीआई डीएसपी गोल्ड है या क्या है, प्रीमियम है या डायमंड है, क्या है, आप जरूर देखें। तो देखिए, ये एसबीआई गोल्ड डीएसपी अकाउंट होगा किन के लिए? जो भी भारतीय सेना में जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी जेसीओस एंड ओआरस के लिए, ये इनके लिए ये डीएसपी अकाउंट होगा। आप लोग इसमें बहुत सारी छूट मिलती है, अनूठी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह खाता धारक उसके परिवार के सदस्यों के लिए विशेष ओवरड्राफ्ट सुविधाएं, तरजीवी ब्याज ऋणें, जो ब्याज की जो दरें हैं ऋण की वो बहुत सस्ती हैं, सेवा शुल्क पर छूट है, व्यक्तिगत बैंकिंग सेवाएं इसमें बहुत सरल हैं, व्यापक बीमा कवरेज जैसे विशेष लाभ प्रदान करता है। इस लेख में अगले भाग में आप लोग एसबीआई गोल्ड डीएसपी खाते के लाभों के बारे में विस्तार से जानोगे। तो वीडियो को आप लोग कट करके ना जाएं, पूरी वीडियो देखें आप प्लीज। मैंने किसी से इतना रिक्वेस्ट नहीं किया किसी वीडियो के लिए कि आप देखें ही देखें, लेकिन फ्रेंड्स इस वीडियो को आप पूरा देखें प्लीज, मेरा आप ये कहा जरूर माने, जिससे कि आपको मालूम पड़े कि डीएसपी अकाउंट से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो देखिए, डायमंड जो खाता होता है वो सशस्त्र बलों में लेफ्टिनेंट कैंटन मेजर के पद पर आसीन अधिकारियों के लिए बनाया गया है। मतलब ये जो भी प्रीमियम बैंकिंग सेवाओं के लिए एक श्रृंखला प्रदान करता है, यह खाता इन सम्मानित अधिकारियों को अनूठी वित्तीय आवश्यकताओं को और आकांक्षाओं को पूरी करता है। उच्च लेन देन सीमा आज की ज्यादा है, आप लोग बहुत बड़ा जो भी है पैसे निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं। ऋण सुविधाएं हैं आपको, आपके मनचाही मल्टी सिटी में चेकबुक आपको कहीं से भी मिल सकती है, और जैसी जो जहीं प्रिंट भी करा सकते हो, कहीं भी कुछ भी आप लोग सहज ही अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हो। तो प्लेटिनम जो डीएसपी अकाउंट जो होता है वो प्लेटिनम डीएसपी खाता सशस्त्र बलों में लेफ्टिनेंट कर्नल साहब और कर्नल ब्रिगेडियर मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जनरल जैसे उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों के लिए होता है, जो कि एक अद्वितीय यूनिक बैंकिंग अनुभव प्रदान करता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में ये पूरा आप लोग ये जो इसके बेनिफिट है ये पूरा सुनना। देखिए, एसबीआई डीएसपी अकाउंट के लाभ, सबसे पहला है डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट में आप जीरो बैलेंस रख सकते हैं, यानी आपको कोई भी ऐसे कंपलसरी नहीं है कि 10,000 या 20,000 या 5,000 आपके बैलेंस रखने की कोई जरूरत है। तो आप लोगों को सबसे बड़ा फायदा यही है
डीएसपी अकाउंट में आप अपने एटीएम और डेबिट कार्ड से अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगता है फ्रेंड्स। नहीं तो आप देखते हैं कि जैसे कोई भी सामान्य व्यक्ति होता है तो वो चार बार से पांच बार से अधिक किसी दूसरी बैंक के अकाउंट से पैसा निकालता है तो चार्ज आता है। तो आपके लिए यहाँ पे इतना लाभ है कि आप लोग अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं वन मंथ में, तो भी आपको कोई चार्ज नहीं देगा। डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट में ऑटो मोड की सुविधा भी है, जब भी अकाउंट में एक लिमिट से ज्यादा पैसा होता है तो पैसा अपने आप ई मोड में चला जाता है जिससे ब्याज दर ज्यादा हो जाती है। अब एसबीआई बैंक डीएसपी खाताधारकों को ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा देता है, प्रदान करता है। आप अपने दो महीने का शुद्ध वेतन एडवांस में भी निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ खाताधारकों को यह सुविधा आप ओवरड्राफ्ट के लिए अपनी खाता शाखा से संपर्क करना पड़ता है। अगर आप डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट में पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन या एजुकेशन लोन लेते हैं तो कोई भी लोन प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती है। एसबीआई डीएसपी खाताधारक से बैंक प्रोसेसिंग फीस नहीं लेता है फ्रेंड्स, बिल्कुल आपको फ्री में ही सारी कुछ लोन प्रोवाइड कराता है। अगर आप देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं, देखिए आपके लिए मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूं फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग पढ़ने में इसको अच्छा लगेगा और वो उचित रहेगा। जूम तो नहीं हो रहा है भाई, देखिए हो रहा है जूम, ये जूम हो रहा है फ्रेंड्स। आपके लिए सुविधा रहेगी ना इसको पढ़ने में, मैं इसको अपनी शक्ल को यहाँ रख देता हूँ। चलिए देखिए, अब हम लोग कहाँ चल रहे थे, ये अच्छा है ना, मतलब पढ़ने में आपको भी आनंद आएगा। देखिए हाँ, देखिए ये सिक्स, भारतीय स्टेट बैंक रक्षा वेतन पैकेज खाते के लिए मुफ्त मल्टी सिटी चेक बुक ड्राफ्ट ऑनलाइन एनईएफटी आरजीएस जो भी आरटीजीएस करते हैं, मुफ्त एसएमएस की सुविधा प्रदान करता है। रक्षा वेतन पैकेज खाते के तहत गोल्ड डायमंड खाताधारकों को फीस में 15% की छूट मिलती है। प्लेटिनियम जो खातेधारक हैं एसबीआई बैंक खाते का उपयोग करने पर उनको 25% की छूट मिलती है। संयुक्त तो खाताधारकों के लिए अतिरिक्त डेबिट कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है, अलग अलग आपको मिलता है। भारतीय स्टेट बैंक डीएसपी अकाउंट को शून्य प्रसंस्करण शुल्क, बिना किसी पूर्व भुगतान शुल्क, कम ब्याज दरों के साथ सौर्य होम लोन की भी सुविधा प्रदान करता है। एसबीआई बैंक डीएसपी खाताधारक को 50 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मृत्यु कवरेज देता है। डीएसपी अकाउंट जिनके पास है 1 करोड़ रुपए का हवाई दुर्घटना बीमा उनके साथ रहता है। भारतीय स्टेट बैंक डीएसपी खाताधारक को स्थायी या पूर्ण विकलांगता पर 50 लाख रुपए तक का कवर प्रदान करता है। आंशिक विकलांगता कवर रक्षा वेतन पैकेज के तहत 50 लाख रुपए रखे हैं, आंशिक विकलांगता, बिल्कुल विकलांग हो गए तो। 18 से 25 साल की उम्र वाले बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए 5 लाख रुपए का प्रावधान है। 18 से 25 वर्ष की लड़की की शादी के लिए 5 लाख रुपए का प्रावधान है। यदि किसी डीएसपी अकाउंट का किसी आतंकवादी, नक्सल या किसी भी देश से युद्ध के दौरान शहीद होता है तो दुर्घटना कवर के अलावा 10 लाख रुपए का बीमा कवर भी दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 10 से 15 नंबर के लाभों में कुछ नियम और शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना बहुत जरूरी है। हम इन सभी लाभों को, ये सारे लाभ जो हमने पोस्ट में इसमें पढ़े हैं, बहुत ही अच्छी पोस्ट लगी है मुझे, बहुत ही अच्छी काम की चीज लगी है यहाँ पर फ्रेंड्स। ये बहुत ही, मुझे अपना पर्सनल मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा जानकर खुशी हुई, क्योंकि ये जानकारी सबको मालूम होनी चाहिए फ्रेंड्स। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए अभी कितने लोगों को ये जानकारी होगी, शायद मुश्किल से 10% लोग जानते होंगे, क्योंकि हम लोग दिन रात ये सब काम करते हैं, हम लोग आपको जानकारी देते हैं। मैं भी इसी परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे इतनी जानकारी नहीं थी कि मतलब ऐसा भी कुछ होता है। मतलब हाँ होता है, डीएसपी गोल्ड अकाउंट है तो ठीक है, बस देख लिया और कर दिया, मतलब लेकिन इतना नहीं था कि इतना फायदा मिलता है इससे। और इसके अलावा फ्रेंड्स कौन कौन सी बैंक आपको ये सुविधा प्रदान करती है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्सिस बैंक है जो अल्टीमा नाम से देती है, बैंक ऑफ इंडिया भी है जो जय जवान सैलरी प्लस के नाम से, बैंक ऑफ बड़ौदा है जो कि आपको सैलरी एंड पेंशन सॉल्यूशन के नाम से देती है, केनरा बैंक है जीवन धारा के नाम से देती है, सेंट्रल बैंक है सेंट परम के नाम से देती है। ऐसे फ्रेंड्स यहाँ पर इंडियन बैंक भी है, पंजाब नेशनल बैंक भी है, रक्षा प्लस स्कीम के नाम से, इंडियन ओवरसीज बैंक भी है, डिफेंस नॉन के नाम से देती है, एसबीआई डीएसपी के नाम से देती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा है, इस चीज को आप लोग फायदा लीजिए और जल्दी से जल्दी ये काम करिए। तो मिलता हूँ आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।